शिरपुरातून तिघा दीक्षार्थींची काढली गेली शोभायात्रा. आज 30 जानेवारी रोजी पार पडला दीक्षा समारोह. शहरातील रथ गल्लीतील राहत्या घरापासून मंगळवारी सकाळी दीक्षार्थी मुमुक्ष श्वेता बुरड, स्मिता बुरड व मयंक पामेचा यांची रथावरून मुख्य मार्गांवरून शोभायात्रा काढण्यात आली. बुधवारी दीक्षा समारोहाचा कार्यक्रम आयोजित केला होता. शोभायात्रा रथगल्ली, भवानीटेक, वरसेगाव, व्यंकटेश बालाजी मंदिर, जैन गल्ली, देना बँक, विजयस्तंभ, कुंभारटेक, करवण नाका व त्यानंतर मार्केडियाच्या TMT शेड प्रांगणात त्याचा समारोप झाला. रॅलीच्या समारोपानंतर आचार्य प्रवर परमपूज्य उमेश मुनीजी महाराज साहेब यांचे दिव्य आशीष तसेच परमपूज्य तपस्वीराज परमपूज्य कानमुनीजी महाराज साहेब यांच्या आज्ञेने परमपूज्य गुरुदेव गुलाब मुनीजी महाराज साहेब यांच्या प्रवचनाचा कार्यक्रम झाला. यावेळी परमपूज्य कैलास मुनीजी महाराज साहेब व परमपूज्य जितेंद्र मुनीजी महाराज साहेब, परमपूज्य पंडितरत्न पंकज मुनीजी महाराज साहेब आदि ठाणा 11 तसेच महासतीजी सुवर्णाश्रीजी महाराज साहेब, विजयश्रीजी महाराज साहेब, चंपाकवरजी महाराज साहेब, संप पिताजी महाराज, रश्मीजी महाराज साहेब आदि ठाणा 20 सुशीचे उपस्थित होत्या. सुभद्राजी महाराज साहेब आदि ठाणा 4 व मंजुला श्रीजी महाराज साहेब आदि ठाणा 4 उपस्थित होते. यावेळी सुवाला ललवाणी, नवनीत राखेचा, डॉक्टर सुराणा, भागचंद बापना, अजोक सांड, राजेंद्र डागा, विजय जोडिया, शांतीलाल बुरड, हुकुमचंद सांडेचा, राजेंद्र पारख, भिकमचंद दुग्गड, संजय संचेती, रमेश बकरेजा उपेंद्र चोरडिया, सुरेश बेमुर्था, राजेश चतुर्मुथा, सागर शेटिया, सुनील बापना, योगेश संचेती, राजेंद्र बोथरा, विजय बापना, रमेश बापना, विशाल बागरेच्या, डॉक्टर किशोर संचेती यांच्यासह मोठ्या संख्येने समाजबांधव उपस्थित होते. या सोहळ्यासाठी जैन बांधवांनी 29 व 30 रोजी व्यवसाय बंद ठेवले आहेत. मंगळवारी बालब्रह्मचारीच्या स्वागताचा कार्यक्रम झाला. यावेळी माजी मंत्री अरुणभाई गुजराती, आमदार काशीराम पावरा, नगराध्यक्ष जयश्रीबेन अमरीशभाई पटेल, उपनगराध्यक्ष भूपेशभाई पटेल, मार्केट कमिटी सभापती नरेंद्रसिंग सिसोदिया, माजी उपनगराध्यक्ष प्रभाकरराव चव्हाण, डॉक्टर पंकज सोनवणे, डॉक्टर अमीर गुजराती, डॉक्टर राखी अग्रवाल जळगावचे, दलचंद चोरडिया धुळ्याचे, कांतीलाल चोरडिया सेंडव्याचे, प्रेमचंद सुराणा बडवाचे, प्रवीण चाचे, डॉक्टर निधी जैन मुंबईचे, डॉक्टर निलेश चोरडिया, प्रतीप चतुर्मुथा भुसावळचे, प्रेम काटेच्या आदी मान्यवर उपस्थित होते. बोले मेरे घर में कुछ नहीं. बोले क्या है तेरे पास में? वो बच्ची बोली मेरे पास में 1 कप दूध है, गर्म करके दे दूंगी. 1 कप गर्म दूध दे दिया, वो चले गए. 20 साल के बाद में एक अस्पताल में एक स्त्री, और वो स्त्री कह रही थी कि भैया आज आखिरी दिन है, मेरा डिस्चार्ज होने जाने वाला है, मैं डॉक्टर को कैसा पैसा दूंगा. डॉक्टर आए आखिरी विजिट के लिए और कहा कि अभी आपकी छुट्टी हो जाएगी. बोले फीस कितनी देने की? बोले 1 कप गर्म दूध. सेवा का जो महत्व है, सर्विस इज अ पॉइंट, सर्विस इज अ पोएट्री, सर्विस इज अ लिटरेचर, सर्विस इज अ एंथम, सर्विस इज अ फिलोसॉफी, सर्विस इज अ लाइफ. ये सेवा जो है, ये सेवा आपके द्वारा होती है और हमारी सेवा कई से होती है. प्रोफेशनल आपके लिए नहीं, मेरे लिए कहता हूँ. सेवा इतनी कहते हो और जवाब इतनी चौड़ी कर देते हो. ये सब सिद्धांत जो है, ये सिद्धांत भले सब लोग तो कोई दीक्षा नहीं ले सकते, लेकिन कुछ न कुछ तो ये आज के प्रोग्राम के द्वारा तो कुछ प्रेरणा होगी कि हमारे जिंदगी में भी कुछ न कुछ सेवा करने की हम कोशिश करेंगे, इंसानियत बढ़ाने की हम कोशिश करेंगे, आदमियत से जाने की हम कोशिश करें. और जो अपना दिल है, जो हृदय अपना, तो उसमें एक अदालत बना. खिचखिच होती है नखी और बदी में हरदम, दिल को इस सीने में छोटी सी अदालत बनाए. सुप्रीम कोर्ट से भी यह अदालत बहुत इम्पोर्टेंट होगी, बहुत उच्च श्रेणी की होगी. रात में बेड पर जाने के पहले सिर्फ 2 मिनट मैं आज क्या किया, मैंने कोई अच्छी बात की, मैंने कोई पुण्य की बात कही, कोई किसको मदद करी, मैंने क्या किसको सहकार दिया. तो गृहस्थ आदमी भी बिना दीक्षा का काम कर सकता है, और वो ये प्रेरणा हम आप
से हाथ देंगे, हमारा तो चलता ही रहता है, जैसा आदमी सामने बैठा है वैसे भाषण हम करते हैं, यहाँ से कभी अलग चीज चले गए, वहां का माहौल देख लिया तो वैसी बात करते हैं, और हमारी बात नहीं समझी तो उसको कहते हैं समझ समझ को समझ से समझा, समझ समझना बड़ी समझ है, और समझने के बाद भी नहीं समझता वो समझने में ना समझ, हम क्या बात करते हैं, हम किसी को ना समझ कहते हैं, लेकिन फिर भी भले आप पॉलिटिक्स में रहो, आपने इंटरव्यू में तो मुझे जब इंटरव्यू में बोला और वो उसके पहले कुछ बायोडेटा में सीवी काफी छिपी थी और मैं पढ़ चुका हूं, तो मैं गर्व होता था कि हमारी कॉलेज के दोनों स्टूडेंट है, पर जब इंटरव्यू देने के बाद बोलते बोलते उन्होंने बोला कि हम तो दीक्षा लेने वाले, बगल सेठ मैंने शायद आपको स्टेट को बोला भी था और उनके पिताजी को मैं मिला था कि क्या कर रहे हो, और मेरे ज्यादा तो बोल नहीं सकते क्योंकि दीक्षा लेना भी बहुत अपने आप में और एक अपने ताकत होनी चाहिए शरीर के अंदर कि अपने मन के ऊपर काबू होना चाहिए तब दीक्षा ली जाती है, और दीक्षा लेने के कारण भी बहुत सारे, तो मेरे दोस्त दो थे उसमें यंगस्टर, उन्होंने प्रसन्ना जैन और अपने नवदीप जैन, दोनों को मैंने बोला यार कुछ समझाओ, इतनी बढ़िया बच्चियां हैं दीक्षा ले रही है और एक अच्छा एजुकेशन, 40,000 बच्चे उनके नीचे निकलने वाले हैं, और अरुण भाई क्या है एक दिवस से मैं अपने कह दू कि इनको रोकने की कोशिश करो, तो बोले भूपेश भाई ये एक बार ठाम लिया तो दीक्षा ली जाती है, उसको रोक नहीं सकते आप चाहे कितना भी कर, पर दीक्षा लेते वक्त ये सोचता था मैं कि क्या जरूरी है बच्चियों के लिए, वो 40,000 बच्चे उस लड़कियों के नॉलेज और वो जो देने जा रहे हैं वो हमारी सोसाइटी को आज नॉलेज नहीं मिलेगा, और वो 40,000 बच्चे एक एक लड़कियों से वंचित हो जाएंगे, और बाद में जब सोचा कि नहीं ये लड़कियां पूरे देश के अंदर उनका नॉलेज देने जा रही है और वो अच्छा संस्कार देने जा रही है और अच्छा महावीर भगवान पर के सभी वचनों का जो कुछ आज अपने को उन्होंने आदेश दिया है वो सब वहां हरे धर्म में फैलाया जाएगा, और तब मैंने अरुण भाई विचार किया कि कभी अब दूसरी बार बोलना नहीं, और जब स्टेज पे चल रहा था तो मुझे भी दो लड़की है, और अंदर जब स्टेज पे चल रहा था मैं बबन सेठ को कहना चाहता कि मेरी ताकत नहीं रहेगी, क्योंकि दीक्षा देना और एक संसार में से विदा होना और वहां से चले जाना और एक दूसरी दुनिया में जहां भगवान के बारे में